नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। दोस्तों एज अब AEW कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेंगे, ये बात दोस्तों 99% कंफर्म हो चुकी है। दोस्तों क्या पूरी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, चलिए इस वीडियो के अंदर आज हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों एज का हमें लास्ट मैच WWE कंपनी के अंदर स्मैकडाउन के शो के अंदर देखने को मिला था, जहां पर उनके होम टाउन के अंदर उन्होंने शेमस को फेस किया था। वहां पर दोस्तों ऐसा हाईली रूमर हमें सुनने को मिला था कि एज का ये रिटायरमेंट मैच हो सकता है कंपनी के अंदर, और एज ने दोस्तों स्मैकडाउन के ऑफिस जाने के बाद प्रोमो भी कट किया था, जहां पर उन्होंने बोला था कि क्राउड के सामने ये मेरा लास्ट मैच है। दोस्तों अभी उसके बाद रूमर्स ऐसे भी सामने आए थे कि हमें एज AEW कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी दोस्तों इस चीज के ऊपर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जो कि 99% इस बात को कंफर्म कर रही है कि एज हमें बहुत जल्द AEW कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं आपसे को ये भी बता दूं कि अपडेट्स के अकॉर्डिंग एज जो है वो WWE कंपनी से रिमूव हो चुके हैं, इंटरनल जो रोस्टर है वहां से एज को रिमूव कर दिया गया है, और एज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी WWE के साथ एक्सपायर हो चुका है। दोस्तों एज अब हमें WWE कंपनी से AEW कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, और ये बात दोस्तों 99% कंफर्म है, और बहुत जल्द एज आपको AEW कंपनी का हिस्सा देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों AEW कंपनी के लिए ये काफी बड़ा मूव है कि एज जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार को AEW कंपनी के अंदर हमें AEW कंपनी में एज देखने को मिलने वाले हैं। वहां पर दोस्तों उनके फ्रेंड क्रिश्चियन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो एज दोस्तों एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि रेसलिंग को काफी ज्यादा पसंद करता है, तो वो किसी भी और रेसलिंग प्रमोशन कंपनी के अंदर रेसल कर सकते हैं रेसलिंग के लिए, तो एज हमें वहां पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एज दोस्तों काफी लंबे समय तक हमें AEW कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। जो AEW कंपनी है उसको दोस्तों एज को पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा, लेकिन काफी कम समय के अंदर। वैसे दोस्तों AEW कंपनी से जेड कारगिल, जो कि काफी बड़ी सुपरस्टार थी AEW कंपनी की, वो दोस्तों ऑफिशियली WWE कंपनी का हिस्सा बन चुकी है। तो WWE की तरफ से भी काफी बड़ा मूव है, और अब AEW कंपनी के लिए भी काफी बड़ा मूव होगा एज को साइन करके अपनी कंपनी में रेसलिंग करवाने का। दोस्तों एज हमें 99% AEW कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि इस बात को कंफर्म कर रहा है। और एज के लिए दोस्तों जब प्लान्स होंगे AEW कंपनी के अंदर, तो दोस्तों AEW के शो के अंदर हमें एज का रिटर्न, या मैं बोलूँ कि एज का डेब्यू देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने के लिए वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।